वेलकम गाइज। गाइज आज जो मैं सेटिंग बताऊंगा, इन सेटिंग को करने के बाद ऑटो हेडशॉट लगने लगेगा, क्योंकि इन सारे सेटिंग को बड़े बड़े प्रो प्लेयर भी यूज करते हैं। देखो ये सारे सेटिंग ना करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना, सारे के सारे सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में जो सेटिंग बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे सेटिंग को करने के बाद आपको उस सेटिंग को करना ही पड़ेगा। ओके गाइज, फर्स्ट सेटिंग करने के लिए आपको कंट्रोल के अंदर आना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, सबसे नीचे मिलेगा विजुअल, इसके अंदर जितने भी सेटिंग है सभी सेटिंग को आप क्लासिक पर सेट करना। देखो इन सारे सेटिंग को ना ज्यादातर बंदे न्यू पर सेट करके खेलते हैं, तो गाइज ऐसा मत करना, आप क्लासिक पर खेलना, आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा अपने गेम के अंदर। ओके गाइज, इतना करने के बाद आपको एक और सेटिंग करना है कंट्रोल के अंदर ही, सबसे ऊपर होगा एम प्रेसेशन, ये सेटिंग ओनली डिफॉल्ट पर ही सेट करके रखना। काफी सारे बंदे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, ज्यादातर वो बंदे जो न्यू है। अब आपको नेक्स्ट सेटिंग करना है अपने सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले आपने थ्री लूप सेंसिटिविटी सेटिंग को सेट करना 63 पर, और वहीं पर स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग को आप सेट करना 77 पर, फॉरेस्ट स्कोप और टूएक्स स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग को 100 पर सेट करना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग है रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग, इस सेंसिटिविटी सेटिंग को आप एक्यूरेट सेट करना 99 पर, वहीं पर जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को आप सेट करना 96 पर। ओके गाइज, इतना करने के बाद भी आपका हेडशॉट लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप अपने फायर बटन को सेट करना 35 और 50 के बीच में। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राइट फायर बटन के बारे में। ओके गाइज, इतना करने के बाद आपका हेडशॉट पानी की तरह लगने लगेगा। बाय चांस अगर आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।